अब इसका पासवर्ड मुझे अगर निकालना है और इस फोन में स्कैनर नहीं है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि जब भी मैं दो फोन को यूज करता हूं या फिर से दो फोन में जब भी मैं ट्रिक बताता हूं तो आप सभी को पता है कि कुछ यूनिक और कुछ हटके ट्रिक होता है। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना, बहुत ही यूनिक और बहुत ही कमाल के इसमें फीचर्स में बताने वाला हूं जो कि हर किसी को ये ट्रिक जानना है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को इंस्टा पे बहुत दिनों से मैसेज कर रहा था लेकिन मैं भी इसका वेट कर रहा था कि कब इसका सॉल्यूशन इसका किया जाए। और फाइनली दोस्तों इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन होने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि दोनों फोन में वाईफाई का सिंबल है, हर किसी के फोन में वाईफाई का सिंबल होता है। अगर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और इस पर अगर क्लिक करता हूँ देख सकते हो कि दोनों में फोन यहाँ पे वाईफाई जो है दोस्तों कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ फॉरगेट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और रिमूव दिस नेटवर्क कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आपको अलग दिख रहा है, यहाँ पे दो चीज अलग दिख रहा है। एक तो है कि ये रेडमी का फोन है और ये एक ओप्पो का फोन है। अलग अलग फोन में अलग अलग तरीके का सेटिंग होता है लेकिन यहाँ पे अगर दोनों को जब इनेबल करोगे वाईफाई का सिंबल तो यहाँ पे देखो ये पासवर्ड ऑलरेडी कनेक्टेड है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे ये बहुत सारे के ऑप्शन में देते हैं कि अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन ये जो बार कोड जो दिया हुआ है इसको आप स्कैन करके अपने दूसरे वाले फ़ोन से और आसानी के साथ अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ओप्पो के फ़ोन में यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, स्कैनर पर अगर मैं क्लिक करूँगा और इस वाले कोड को मैं अगर स्कैन करता हूँ देख सकते हो कि अगर स्कैन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टिंग लिख रहा है, देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिक कनेक्टेड होगी। अब होता क्या है कि बहुत सारे के फ़ोन में यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन नहीं देता है। अब रीज़न क्या, अब सपोज करो कि मैं यहीं पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ इसको मैं फॉरगेट कर देता हूँ, ठीक है। और इस फोन में ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्टेड है, देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करता हूँ तो अब इसका पासवर्ड मुझे अगर निकालना है और इस फोन में स्कैनर नहीं है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें प्रॉब्लम आता है इस चीज को, स्कैनर नहीं है तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हो, थोड़ा सा वीडियो होगा तो दोस्तों इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हो तो अगर किसी भी अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो या फिर से आप पासवर्ड भूल चुके हो या फिर से आप अपने स्कैनर से अपने वाईफाई को पासवर्ड को जानना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूनिक और जेन्युइन ट्रिक होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो अब फ्रेंड करना क्या है कि आप में अगर फोन के अंदर इंटरनेट होगा यानी 4G अगर चलता होगा तो सिंपली क्या कीजिएगा कि प्ले स्टोर के अंदर आइएगा और आने के बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्या कर लिखना है वाईफाई QR कोड स्कैनर, सिंपली इस पर टाइप कीजिएगा। और वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा ताकि इसमें मैं कुछ अलग से इसमें सेटिंग मैं बताने वाला हूँ जो कि 110% वर्क करेगा। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वाईफाई QR कोड पासवर्ड स्कैनर जो दिया हुआ है ना 1 मिलियन इसका डाउनलोडर है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद सिंपली इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब फ्रेंड देख सकते हो कि फाइनली हमारा जो है पासवर्ड यहाँ पे जो एप्लीकेशन है डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपली बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद इस वाला जो हमारा यहाँ पे कनेक्टेड हुआ है इसको मैं क्लिक करके और मैं क्या करता हूँ इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सबसे पहले अपने वाईफाई को, क्योंकि इसमें सिम नहीं है तो मैं 4G वाईफाई से ही इसको कनेक्ट किया था। अब इसको मैंने रिमूव कर दिया। अगर मैं फिर से अगर इस पर जाता हूँ और क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ देख सकते हो कि यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। अब सपोज करो कि इसमें आपका पासवर्ड कनेक्टेड है आपके फोन में किसी भी फोन में और आपके फोन में स्कैनर नहीं है, स्कैनर है तो इजीली आप कर सकते हो लेकिन स्कैनर नहीं है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा। सिंपली क्या करना है, वाईफाई QR कोड स्कैनर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे वाईफाई QR कोड स्कैनर यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे वाईफाई का सिंबल आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने जिसके भी फोन से कनेक्ट करना है उसके आई बटन का ऑप्शन दिया होगा ना, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसके ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको वाईफाई QR कोड यहाँ पे दिया ना, सिंपली इस पर टाइप करना है। अब अपने फोन के अंदर या फिर उसके फोन के अंदर जो भी पासवर्ड होगा उसको अपने फिंगरप्रिंट से या फिर से उसको अनलॉक कर लीजिएगा, अगर फिंगरप्रिंट नहीं लगाए होंगे तो अनलॉक करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब सिंपली करना क्या है कि आपके फोन के स्कैनर से एक बार इस पासवर्ड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अलाउ का ऑप्शन दिया ना, अलाउ के ऊपर आपको सिंपली टैप कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा पासवर्ड दिखा दिया कि वाईफाई पासवर्ड इज noname.com, सही में यही मेरा पासवर्ड है। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा वाईफाई भी ऑटोमेटिक यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं इसको बैक करता हूँ और बैक जाता हूँ और अगर मैं सेटिंग के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ अपने वाईफाई के अंदर तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पे टैप टू ईयर और पासवर्ड यहाँ पे मेरा कनेक्टेड हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके फ़ोन में अगर यहाँ पे स्कैनर नहीं है तो आप इस स्कैनर का यूज़ करके आसानी के साथ किसी भी फ़ोन से आसानी के साथ स्कैन कर सकते हो और वाईफाई का पासवर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा कुछ यूनिक ट्रिक और कैसा लगा ट्रिक मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही सबसे पहले बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।